नमस्ते दोस्तों, इलेक्ट्रो एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय अमृत और आज हम बात करने जा रहे हैं उषा CJ1600WPC 1600 वॉट्स इंडक्शन कुकटॉप के बारे में। दोस्तों, ये उषा एक बड़ा ब्रांड है और उसी उषा का ये एक इंडक्शन कुकटॉप है, उषा कुकजॉय CJ1600WPC के नाम से ये मॉडल नंबर इसका होता है, जो 1600 वोट के पावर कंजम्पशन के साथ में आता है। दोस्तों, ये एक अच्छा इंडक्शन कुकटॉप है जो अच्छी प्राइस रेंज में मिलता है, लगभग 2400-2500 रुपये की प्राइस रेंज में हमको मिल जाता है। ऑनलाइन अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ आपको बेस्ट रेट मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेस कर लीजिएगा। दोस्तों, अब इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह का इंडक्शन कुकटॉप है ये, फिर इसके बारे में दूसरी बातें करते हैं। तो चलिए, हम इसको अनबॉक्स कर रहे हैं। इतने अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि आपको हमारे दूसरे वीडियोज़ भी मिलते रहें। और देखें, एक तो ये इंडक्शन कुकटॉप हमको मिलता है और एक हमें मिलता है ये यूज़र मैनुअल कम वारंटी कार्ड। इसमें अंदर तो बताया है कि किस तरह से इसको यूज़ करना होता है, इसके कंपोनेंट्स के बारे में सब बताया है और लास्ट में यहाँ वारंटी कार्ड दिया हुआ है। 1 साल की ऑन साइट वारंटी के साथ में ये इंडक्शन कुकटॉप हमें मिलता है और आपको ये वारंटी कार्ड जो फिल करके डीलर के द्वारा दिया जाता है, फिल करके स्टाम्प करके इसको संभाल कर रखना होता है, ज़रूरत पड़ने पर इसको दिखाना होता है, आपको होम सर्विस मिल जाती है 1 साल के लिए। दोस्तों, अब इस इंडक्शन कुकटॉप को देखें आप, तो ये कुछ इस तरह का इंडक्शन कुकटॉप हमें मिलता है 1600 वॉट पावर कंजम्पशन के साथ में। बढ़िया इसका डिज़ाइन है, देखें काफ़ी अच्छा, यहाँ ये स्टिकर लगा हुआ है, इसको हम हटा दें तो ये इस टाइप का ही डिज़ाइन यहाँ पर पीछे भी बना हुआ है। फिर इसका बैक साइड आप देखें तो बैक साइड भी काफ़ी अच्छा है, ये देखें आप, एंटी स्किड फीट के साथ में है, ये जो है एंटी स्किड है इसके फीट, जिससे कि ये टेबल पर या प्लेटफॉर्म पर केस स्टैंड पर वहाँ पर ये फिसलेगा नहीं, आप आसानी से अपना भोजन इस पर बना सकेंगे। चलिए, अब इस इंडक्शन कुकटॉप के बारे में कुछ और चीज़ें हम जो है उनके बारे में बात करते हैं। तो एक क्लोज लुक हम इस इंडक्शन कुकटॉप का देखते हैं, फिर हम बाकी चीज़ें भी आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्लोज लुक उषा कुकजॉय CJ1600WPC इंडक्शन कुकटॉप का ये क्लोज लुक देखें आप, कुछ इस तरह का दिखता है ये इंडक्शन कुकटॉप जब आप पास से देखते हैं, काफ़ी शानदार है। बजट में और एक अच्छा इंडक्शन कुकटॉप 1600 वॉट के साथ में। इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो की पॉम इसका फीचर एक है, की पॉम फीचर, जिससे कि भोजन जो है आपका देर तक आप खाने के लायक इस पर भोजन पाएंगे, जब भोजन बनाएंगे उसको आप प्रेशर कुक या करी मोड में जब आप बनाते हैं, ये देखें यहाँ पर एक तो ये करी मोड है और इसमें प्रेशर कुक मोड है, इसमें देर तक आप भोजन को खाने के लायक पा सकते हैं, देर तक भी वो भोजन चलता है, गर्म रहता है। की वार्म फीचर से स्मार्ट पॉज इसमें एक फंक्शन है, ये देखें ये पॉज का फंक्शन, ये एक फीचर है पॉज का, इससे आप इसको पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं और फिर वापस आप अपने हिसाब से स्टार्ट इसको कर सकते हैं। पैन सेंसर है, ये यहाँ पर पैन सेंसर है, यानी कि आप कोई बर्तन रखते हैं उसको ये डिटेक्ट करता है, ये ऑपरेट तभी होगा जब कोई बर्तन इस पर रखा होगा, अदरवाइज ये ऑपरेट नहीं होता है। पैन सेंसर फीचर इस तरह का है, आप अपना हाथ रखेंगे तो हाथ गर्म नहीं होगा, किसी और चीज़ को रखेंगे तो गर्म नहीं होगा, मेटल होगा कोई मेटल या कुकवेयर हमारा तो उस पर ही ये काम करेगा। और इसके बारे में कुछ और बात करें तो इसमें 5 इंडियन कुकिंग मेनूज हैं, प्रीसेट मेनूज देखें, प्रेशर कुक, इडली, डीप फ्राई, चपाती और डोसा और करी, ये 5 इंडियन मेनूज इसमें दिए गए हैं, इनसे आप फटाफट से भोजन बना सकते हैं। यह सिंपल तरीका मैं बताऊं, अगर आप इनके लिए भी नहीं जाना चाहते हैं तो सीधे आपको कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले तो ये जो
पावर कॉर्ड दी है, लगभग 1.2 मीटर्स की है ये, 5-6 फीट लंबी। इसको आप प्लग में लगा लें और ऑन कर लें। इसको 16 एम्पीयर सॉकेट में अगर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लगा कर ऑन किया, फिर ये ऑन ऑफ का बटन है, पावर बटन, इसको प्रेस करके आपको ऑन करना है। ये इसका टिप, उंगली के टिप से चलेगा, वो टच वाले में अलग तरह से चलता है और इसमें अलग। ये देखिए, ये टिप से, उसमें बॉल से चलता है इस तरह से, इसमें टिप से इसे दबाना होगा, पावर बटन। उसके बाद ये मैनुअल कर देंगे, फिर यहाँ रीडिंग आपको आ जाएगी। ये डिजिटल डिस्प्ले है, यहाँ पर आपको रीडिंग मिल जाएगी कितने वॉट पर ये काम कर रहा है। आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो ये प्लस करके टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, 120 से 1600 वॉट तक। इस तरह से ये टेम्परेचर सेटिंग इसमें होती है। 8 लेवल हैं टेम्परेचर सेटिंग्स की, और ये ऊपर इन्होंने डिग्री सेल्सियस में भी दिया हुआ है। आप प्लस से टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं और माइनस से टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। इसमें टाइमर दिया हुआ है, टाइमर है, 3 घंटे तक का टाइमर आप सेट कर सकते हैं इसमें, ये फंक्शन दिया हुआ है इसमें। साथ ही कुछ और चीज़ें देखें तो ऑटो स्विच टू पावर सेविंग मोड टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग। इसमें ऑटो स्विच है जिससे कि ओवर हीटिंग से बचाने के लिए ये पावर सेविंग मोड में चला जाता है। आपका काम अगर चल रहा है और रुकता है तो यह ऑटो स्विच से पावर सेविंग मोड में चला जाता है, बिजली खर्च नहीं होगी और ओवर हीटिंग नहीं होगी। सेफ्टी बैरिस्टर फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वोल्टेज फ्लक्चुएशन अप टू 2500 वोल्ट्स, यानी कि 2500 वोल्ट तक के फ्लक्चुएशन को ये उससे प्रोटेक्ट करने की बात कहते हैं ये, कि सेफ्टी बैरिस्टर इसमें लगा हुआ है जिससे कि वोल्टेज फ्लक्चुएशंस को ये झेल लेता है और इंडक्शन कुकटॉप को प्रोटेक्ट करता है। एंटी स्किड फीट मैंने बताया आपको, और 3-पिन प्लग ये मैंने बताया आपको, तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद आप यहाँ देखें तो या तो आप मैनुअल करके प्लस माइनस से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, या फिर आप इन 5 कुकिंग मेनूज के ज़रिए भी सीधे आप डीप फ्राई या प्रेशर कुक इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इंडक्शन कुकटॉप है और अच्छा हैवी और पावरफुल है। लगभग 2.5 किलो का वेट इसमें होता है। ये पीछे फ़ैन दिया हुआ है इसका, अच्छा डिज़ाइन है और अच्छे बजट रेंज में, 2400-2500 रुपये की प्राइस रेंज में है। जो ऑर्डर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से आप अच्छे प्राइस पर इसको परचेस कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे और भी वीडियोज़ देखते रहें हमारे चैनल पर। थैंक यू।